Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Richa. I hope you all are safe and healthy. So start करते हैं आज की वीडियो. तो आज की वीडियो मुझे अभी भी बहुत हंसी आ रही है. आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज मैंने अपनी मम्मी को कन्विंस किया है कि वो आज कैमरे के सामने आए और मैं उनका मेकअप करूँ. सो मैंने ट्राई किया है कि मैं मेकअप जो है उनका काफ़ी बेसिक रखने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल रहती हैं. मेकअप करना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है और क्योंकि आज करवा चौथ है और स्पेशली मेरी मम्मा का बर्थडे भी है. सो मैंने सोचा उनको अच्छा फील कराने के लिए उनको थोड़ा पैम्पर करते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं. सो बहुत ही जनरल सा बेसिक सा मेकअप है. सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और थोड़ी मॉम मेरी शाय है तो थोड़ा इधर उधर वीडियो हो सकती है तो आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. शी ऑलरेडी स्टार्टेड लाफिंग. एनी वेज सो फर्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं मॉइस्चराइज़र. सो मैं यहाँ पे पॉन्स का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ लाइट वेटेड और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ उनके स्किन पे बहुत अच्छे से. शी इज़ लिटरली कंट्रोलिंग हर लाफ. We are done with the moisturizer. Next, I'm going to use the primer. So I'm taking a small amount of the primer and just dabbing all over her face. Because उनको कुछ large pore का कोई issue नहीं है, so primer की बहुत ज़्यादा requirement नहीं है, तो मैं बहुत थोड़ा ही use कर रही हूँ. Now we are going to use the color corrector. So मैं different color corrector use कर रही हूँ उनके blemishes को, dark circles को, fine lines वगैरह को hide करने के लिए, conceal करने के लिए. So मैं accordingly यहाँ पर सारे colors का use करते हुए उनके blemishes वगैरह को hide कर रही हूँ, conceal कर रही हूँ basically. For the foundation, I'm using the Maybelline Fit Me foundation, and I guess she is in the shade 130. So I'm not going over the top, बस थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है just to make a even base. With the help of a blush, I'm going to blend it all. बहुत डिफ़िकल्टी से वी हैव जस्ट मैनेज टू कंट्रोल अवर लाफ्स सो दैट हम कंटिन्यू कर सकें अपने मेकअप से. फॉर द आईज आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल. सो आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी आई शैडो पैलेट एंड कीपिंग इट वेरी सिंपल. So I have put on the very basic pink eyeshadow and final touch ke liye I'm just going to give a glittery shade, a tint of glittery shade over it. Now I'm filling the gaps between her eyebrows like very light handedly. Next step I'm using the Lakme eyeliner. So इनडायरेक्टली मुझे मना करेंगे कि आईलाइनर मत लगाओ, बट मैंने उनको बोला है, कन्विंस किया है, बस थोड़ा सा लगाएंगे, जस्ट अ लाइन. सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द बेस एंड द आईज. नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम ब्लश. वो भी मुझे बहुत लाइट लगाना है नहीं तो डार्ट पड़ेगी, बहुत ही लाइट. For the final touch, I'm using the Fit Me powder just to set everything.
for the lips. I'm using the Manish Malhotra lipstick, so it's a very very rich lipstick or very glossy. This color suits her very well. कुछ इधर उधर ना हो इसलिए आई एम यूजिंग अ लिप लाइनर टू मेक इट इन अ गुड शेप. एंड वी आर डन विद द फाइनल लुक. अब हम लगाएंगे एक बिंदी, वो भी हम बेसिक ही लगाने वाले क्योंकि पूरा लुक ही बेसिक सा है, बहुत सिंपल लुक है. Now she will apply sindoor. Just comb the hair and give it a final touch. So guys, here's the final look. I hope you all liked it. Please subscribe to my channel.